दर्द छोड़ दहाने मायन ईदी ओल्ड होम इस्लामाबाद में मेरी मुलाकात जरमीना बीबी से हो गई, जो इस लावारिस नगर में 4 माह से मुकीम है। इस पर क्या बिपतान पड़ी है, इसी से पूछते हैं। इस वक्त अभी तो मैं ही हूँ, लेकिन उसने छोड़ दिए, 2 जिंदा है, 2 मर गई हैं। अच्छा, यानी आप उसकी 5वीं बीवी हैं? जी है, 5वीं। तो मैं शादियाँ करता रहा आपका मियाँ? अभी तो वैसे ही लेके आता है, जो सी आवारा बहुत मिलती है पैसे खाने वाली औरता। अब ये झगड़ा है ना कि अभी मैं काम नहीं कर सकती हूँ। जब मैं 7 साल आखिर बेटा पैदा होया तो मेरे कोई ऐसी बीमारी लग गई। आपके ऊपर कोई औरत और भी उसने लाने की कोशिश की? कहीं बाहर लेके आता है, उसका काम ही यही है। मैंने ना मोरी में देखा, जब मैंने देखा ना मुझे बहुत तकलीफ होया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने कहा तुम अगर बगैरत इंसान, अगर तुमने ये बगैरती करनी भी है तो तुम बाहर करो जाके। नहीं, जो मियाँ आपका घर में औरत ले आया दूसरी और आपके सामने सब कुछ होता रहा, उसके बाद आपने घर छोड़ा? जी, उसके बाद मैंने छोड़ा। वो आगे भी जनानियाँ लेके आता था, सब कुछ करता था, घर ले आता था, घर भी लेके आता, लेकिन मैं उसको यहाँ से पकड़ती थी। मुझ में बहुत ताकत थी और मुझ में बहुत गैरत आती, जज्बात आ जाता था। मुझको नहीं समझ आता था कि ये मेरी पाँव तोड़ देगा, मेरी बाँह तोड़ देगा। मैं उसको यहाँ से पकड़ती थी, फिर मैं उसको मारती थी। वो मरद था आखिरकार, उसका कद भी लंबा था, फिर वो मुझे कुटने लड़ने लग जाता था। मैं कहती जो मर्जी कर ले, जब जितना वो मुझे मारता था इतने में अपने आप को मारने लग जाती थी। उनकी जूती मैं कहती थी और मुझे मारो, मुझे कत्ल कर दो, लेकिन मुझसे ये एक बात नहीं बर्दाश्त होती, तुम करो, मैं ये नहीं मना करती। कोई मर्द के साथ कोई फिरता तो नहीं है, कोई औरत फिर सकती है, लेकिन तुम बाहर करोगे मैं ना देखूं, मेरे सामने तुम सही रहो। फिर भी ये लड़ाई चलती रही। मियां, आपको आपने कभी उसे पीने से मना नहीं किया? मेरे सामने नहीं पीते, बाहर पी के आता है। आपके सामने कभी नहीं पीता? नहीं, हमारी लड़की ले आता है आपके सामने, बोतल नहीं लाता? वो बोतल बार यार दोस्तों में पीता है ना। मियां की बेराहरवी का किस्सा तो एक दुख था ही, बेटा बाप से भी 4 हाथ आगे निकला। इसी सारे बलवे ने जरमीना को हकीकी मानों में लावारिस कर दिया। सुनिए, कुर्बानगाह पर लटकती हुई माँ अपनी औलाद का दुखड़ा कैसे रो रही है। और जो सी माँ इतनी मेहनत करके, जो मुझे वहाँ पर खैर जकात देते थे, वो कहते हमने 11वीं के पैसे रखे, नसीम तुमने लेने? तो मैं कहती थी बाजी मुझे ना दो, मेरे घर में भूख ज्यादा है, खर्च हो जाएंगे, मेरे बेटे को वर्दी ले दो। फिर उसको मैं वर्दी लेके देती थी, बाप ने कभी वर्दी में नहीं लेके दिया। वो मेरा बेटा भी शराब पीता है, सब घर में लड़के लेके आता है, बेटी जवान हुए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं। मैं जाके दोनों हाथों से बेटों के ऐसा मारे, मैंने कहा तेरे साथ मैंने, तेरे वजह से इस आदमी के साथ मैंने गुजारा किया कि ये मेरा बेटा रुले नहीं। इस बाद मुझे बहुत नफरत हो गई थी, लेकिन मैंने उसे कबूल किया कि ये मेरा बेटा जगह जगह धक्के लेगा और इसके साथ इसको वो बाप वाला प्यार कोई भी नहीं देगा। ये जितना भी गंदा है, जितना भी बुरा है, लेकिन फिर भी इसका बाप इसको एहसास तो रहेगा ना। मैंने उस बेटे के पीछे इतना लश्कर बनाया, जिंदगी बर्बाद की। जब अब वो बेटा मेरा हो गया, कमाने वाला हो गया, अब वो मुझे जानता भी नहीं है। बेटा तो मेरे साथ अच्छी बात करते ही नहीं है, सुनते भी नहीं, आके थे लड़ लड़ के निकल जाते। मैं ये तो सब कुछ जरमीना की जिंदगी में हो गया, लेकिन अब बेसहारा होकर ईदी ओल्ड होम में इसके शबो रोज कैसे गुजरते हैं वो भी इनसे पूछते हैं, और सरकार को ये मजलूम क्या कह रही है ये भी पूछते हैं। मेरे हाथ से बाहर निकल गई है बाल, वो घर में नहीं था, घर में होती उसने मुझे निकलने नहीं देना था। बगैर लाइसेंस का पिस्तौल उसके पास है, वो मेरे ऊपर रखता है कि तुमको इस गोली से मैं उड़ा दूंगा। बेटा नहीं, आदमी मेरा। मेरी मंजिल है कराची का मशहूर इलाका मलीर, जहां एक ही बिरादरी के 14 अफराद दहशतगर्दी के वाकये की नजर हुए। इसी मोहल्ले में अपाहज नौजवान और धमाके में आंखें खो देने वाले मुतासरीन भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले जाहिद मियां और किश्वर बीबी के घर रुकना होगा
जिनके दो जवान बच्चे बम धमाका ले गया है। मेरे दो बेटे थे, मोहम्मद हसन बड़े वाले बेटे का नाम था और छोटे बेटे का नाम मोहम्मद हसनैन। हर साल ही जाते थे और पुरजोश तरीके से जाते थे, तैयारी करते थे। और ये कि 20-25 मिनट गुजरे होंगे तो उसके बाद सामने टीवी रखा हुआ था, उनके टीवी ऑन था उनके यहाँ, तो वहाँ पे ये स्लाइड चल गई कि गाड़ी पे बम ब्लास्ट हो गया। यकीन नहीं आया, इन जालिमों ने, इनका कैसा शातिर दिमाग है कि उन्होंने बस पे बम ब्लास्ट कर दिया। बहरहाल माँ थी और उस वक्त तो पूरा महल्ला जो है आहो भूखा में डूब गया था, जो मैं कभी नहीं भुला सकती। मैं तो हर वक्त उसको बददुआ देती हूँ, वो ये समझते हैं कि शायद उन्हें ये सब करके जन्नत मिल जाएगी। मैं कहती हूँ कौन सा ऐसा मजहब है जिसमें किसी मुसलमान को मारकर जन्नत मिले। अब जाहिर सी बात है मैं याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक कयामत गुजर गई। एक करने वाला ये नहीं सोचता कि वो भी तो किसी माँ का लाल है, कितने घर उसने उजाड़ दिए। अब हुकूमत तो ये कह देती है 2-3 दिन के बाद के हालात मामूल पर आ गए, मगर जिसके घर के जाते हैं उसके हालात कैसे मामूल पर आ सकते हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, खुदारा अब तो आप किसी इस तरह का इंतज़ाम करें कि किसी के लाल इस दुनिया से ना जाए, ताकि माँ की ममता तो ठंडी रहे। एक माँ कैसे जिए, दोनों बेटे चले गए और बाप की भी उम्मीदें सारी टूट गई हैं, दोनों बाजू उनके टूट गए।